सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनएम गेमर। गाइज यार, आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ अपने गेम के अंदर आने वाले 100% कंफर्म डेट के आने वाली क्रिमिनल बंडल रिटर्न की। क्योंकि गाइज यार, आपने भी काफी सारी वीडियोस वगैरह देख ली होगी, बट आप सभी को अभी तक यार कंफर्म डेट नहीं पता चली होगी। सो गाइज यार, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, भाई लोगों तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 100% कंफर्म डेट लेके आ चुका है। गाइज यार, इतना ही नहीं, बात करने वाले अपने गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट एवोल्यूशन गन के बारे में, भाई लोगों बात करने वाले उसी के साथ साथ अपने गेम के अंदर आने वाले एक डिस्काउंट इवेंट के बारे में, जो कि भाई लोगों आप सभी का भी फेवरेट डिस्काउंट इवेंट है। सो गाइस यार, वो कौन सा इवेंट होने वाला है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो का एंड तक वॉच कर लेना। उसी के साथ साथ गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल वाले बटन को प्रेस करके जरूर ऑल में सेट कर देना। तो भाई लोगों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बात कर लेते हैं अपने गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट एवोल्यूशन गन कौन सी होने वाली है। वो होने वाली है अपनी M4A1 की ईवो स्किन। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, काफी कमाल की ईवो स्किन देखने को मिलने वाली है। भाई लोगों, कैसी लग रही है मेरे को कमेंट बता देना। गाइस यार, एनिमेशन वगैरह सभी देख सकते हो, एकदम नेक्स्ट लेवल वाले देखने को मिल रहे हैं, और अपनी एक जैसे के देखने को मिल रही है भाई लोगों। जैसे अपने ड्रैको एक ही थी गाइस यार, वैसी थोड़ी बहुत अपने को देखने को मिल रही है गाइस यार अपने M4A1 की ईवो गन स्किन। भाई लोगों, इतना ही नहीं, मैं आप सभी को बता दूं कि अपनी ईवो फॉर्मर्स की स्किन के भी लीक्स एंड अपडेट्स निकल रहे हैं कि हमको नेक्स्ट अपना ईवो गन स्किन देखने को मिल सकती है। बट गाइस यार, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। सो भाई लोगों, आगे चलते और बात करें तो अपने गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट आप सभी को कौन सा देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई लोगों आप सभी का भी फेवरेट इवेंट होगा। क्योंकि भाई लोगों, वो इवेंट तो मेरा 100% कंफर्म है कि फेवरेट है। सो मैं आप सभी को बता दूं कि अपने गेम के अंदर आने वाले लेवल अप शॉप जल्दी आप सभी को देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप सभी को भाई लोगों ये बंडल तो देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यार, मैं आप सभी बता दूं कि 24-25 तारीख कंफर्म हो चुकी कि आप सभी को अपनी लेवल अप शॉप देखने को मिल जाएगी। और आप सभी को पता है कि लेवल अप शॉप के अंदर अपने को कितने कम डायमंड के अंदर काफी कमाल का बंडल्स और फ्री के रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। सो भाई लोगों, आपको 24 या 25 जनवरी के दिन देखने को मिल जाएगा अपना गाइस यार लेवल अप शॉप। भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गाइस यार अपने गेम के अंदर आने वाले एक और इवेंट के बारे में, जो कि आप सभी को डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो गाइस यार, ये दो बंडल हम सभी को एक कोलैब का पार्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो भाई लोगों हमको एक और डिस्काउंट इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते और बात कर लेते हैं कि आप सभी को तो ये पता ही होगा कि अपनी ईवोस कार हम सभी को रिटर्न के अंदर देखने को मिलने वाली है अपने जनवरी मंथ के अंदर ही। बट मैं आप सभी को बता दूं कि जो कि अपने ईवो की XM8 आती है, वो भी आप सभी को फरवरी मंथ के अंदर रिटर्न के अंदर देखने को मिल जाएगी। सो भाई लोगों, क्या आप सभी को इसके बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइस यार, आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को बता देता हूं अपना नेक्स्ट इनक्यूबेटर कौन सा होने वाला है। जैसे कि भाई लोगों, आप सभी देख सकते हो गाइस यार, अपने को एक गरोजा का हो सकता है कि अपने को इनक्यूबेटर देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि अपने को कोई बंडल्स वगैरह का इनक्यूबेटर देखने को मिल जाए। गाइस यार, ये अपने OV32 अपडेट के बाद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। गाइस यार, फाइनली अपने बात कर लेते हैं अपने क्रिमिनल बंडल रिटर्न इनक्यूबेटर के बारे में। सो गाइस यार, आप में से काफी सारे बंदे मेरे को ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यार अपना क्रिमिनल इनक्यूबेटर कब रिटर्न में आएगा। सो गाइस यार, मैं आप सभी को सबसे पहले तो बता दूं कि आप सभी को अपने क्रिमिनल बंडल इनक्यूबेटर के अंदर रिटर्न के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप सभी को अपने किसी ना किसी वेब इवेंट के अंदर रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे। और गाइस यार, मैं आप सभी को बता दूं कि अपना गोल्डन शेड का इनक्यूबेटर आप सभी को रिटर्न के अंदर देखने को मिल चुका है भाई लोगों, जिसके बारे में आप सभी को यार आने के पहले बता चुका था जब अपना गोल्डन शेड रिटर्न में था। भाई लोगों, उसके एक या दो दिन पहले मैंने आप सभी को बता दिया था कि अपना नेक्स्ट इनक्यूबेटर गोल्डन शेड का होने वाला है। सो गाइस यार, मैं आप सभी को बता दूं कि अपना रियर एक इनक्यूबेटर तो आप सभी को रिटर्न के अंदर देखने को मिल चुका है अपना गोल्डन शेड का। सो गाइस यार, अब मैं आप सभी को बता दूं कि अपना जो कि क्रिमिनल बंडल का इनक्यूबेटर आता है, वो आप सभी को इस टाइम पे नहीं देखने को मिलेगा। गाइस यार, जनवरी और फरवरी के मंथ में आप सभी को अपना क्रिमिनल बंडल अब रिटर्न के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस यार, आप सभी को पता है कि अपना कितना रेयर इनक्यूबेटर था अपना गोल्डन शेड, जो अपने गेम के अंदर रिटर्न के अंदर आ चुका है। सो गाइस यार, आपको हाल फिलहाल के अंदर तो देखने को नहीं मिलने वाला है अपना क्रिमिनल बंडल रिटर्न, क्योंकि भाई लोग अपना गोल्डन शेड रिटर्न के अंदर आ चुका है, इसलिए आप सभी को नहीं देखने को मिलने वाला है अपने हाल फिलहाल के दिनों के अंदर तो अपना क्रिमिनल बंडल रिटर्न के अंदर। बट गाइस यार, हो सकता है कि आप सभी को अपने फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिल जाए, यानी कि OP32 अपडेट के बाद आप सभी को अपने क्रिमिनल बंडल का इनक्यूबेटर हो सकता है रिटर्न में देखने को मिल जाए। बट गाइस यार, अभी भी इसकी कंफर्मेशन तो निकल के नहीं आई है। सो गाइस यार, जैसे ही मेरे को ये सब पता चलेगा इसकी क्या कंफर्म डेट होने वाली रिटर्न की, तो भाई लोगों, मैं आप सभी को बता दूंगा। और भाई लोगों, फ्री फायर के कुछ ऐसे इवेंट्स और अपकमिंग इवेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल वाले बटन को प्रेस करके जरूर ऑल में सेट कर देना। मिलते हैं भाई लोगों आप सभी से नेक्स्ट मजेदार वीडियो में।